गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई मैथ्स क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस। वी ऑलरेडी डन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम कवरिंग योर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आर वेरी यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट टेंथ क्लास ऑल्सो, बिकॉज टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू मैथड, हाउ यू रेशनलाइज ए डिनोमिनेटर इन अ रूट्स वैल्यूज और इन ए सर्डिकल वैल्यूज। स्टूडेंट्स, हम इनको सर्ड्स भी बोलते हैं, अंडर रूट वाली वैल्यूज को हम सर्डिकल वैल्यूज भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई सी बाई डी। दिस सीन्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब मतभेद, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जब हम पाई को लेते हैं, स्टूडेंट्स मैंने आपसे ऑलरेडी पहले पाई डिस्कस किया था कि पाई हमेशा एक इरेशनल वैल्यू को शो करता है। इरेशनल वैल्यू वो होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल से बनती है, यानी कि वो डिवाइड होने पर कभी खत्म नहीं होती और वो कभी रिपीट भी नहीं करती, कोई सिक्वेंस फॉलो नहीं होता उसके अंदर। तो पाई की वैल्यू हमेशा सर्कल के लिए, उसके सर्कमफ्रेंस को अगर हम उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास 22 बटा 7 ही आता है, या 3.14 समथिंग कोई वैल्यू आ जाती है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। तो यहां पर हमें बताना है कि जब हम इसको अलग अलग मेजर करते हैं तो वो रैशनल वैल्यू होती है, लेकिन जो पाई है वो इरेशनल है। तो दिस सीम्स टू कंट्राडिक्स, ऐसे हमें मतभेद सा लगता है कि जब हम उसको डायमीटर को मेजर कर रहे हैं वो तो रैशनल नंबर है, अगर आप किसी भी सर्कल के डायमीटर को मेजर करेंगे तो वो आपके पास जैसे 5.6 है, 6 है, तो प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी भी है और इसमें आपने इसको अपनी एक्टिविटी कॉपी में करना है, जो मैंने आपकी ड्राइंग कॉपी प्रिपेयर करवाई है एक्टिविटी के लिए, उसमें ऑलरेडी आप एक्टिविटी कर चुके हैं एक, और ये नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर, अपनी कॉपी में भी करेंगे और उसमें भी करेंगे। देयर इज नो, इसका आंसर आएगा देयर इज नो कंट्राडिक्शन, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मतभेद। वेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस यू गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया, आप कभी भी कोई सर्कल को मेजर करेंगे, सर्कल को मेजर हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये बैंगल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इसको मेजर करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू मेजर दिस, आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस सर्कल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। मैं यहां से थ्रेड को लगाऊंगी और इस थ्रेड को पूरा मैं इसके चारों तरफ ले जाकर वापिस जब यहां लाकर उस थ्रेड को मैं मार्क कर लूंगी या तोड़ लूंगी, तो उस थ्रेड को मैं स्केल पर रखकर सीधी इसकी वैल्यू मेजर कर सकती हूँ थ्रेड की हेल्प से। तो ये मैंने इसका क्या मेजर किया, दिस इज नोन एज अ सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अगर मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर आपको पता है, डायमीटर इज अ लाइन, इज अ कॉर्ड विच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो दिस लाइन इज नोन एज अ डायमीटर। तो मैं यहां तक इसको मेजर करूंगी इस लाइन को स्केल की हेल्प से, तो ये इसका मेरे पास क्या मेजर हो जाएगा, डायमीटर। तो कोई भी सर्कल आप ले सकते हैं, चाहे आप प्लेट से सर्कल बना सकते हैं, आप कटोरी ले सकते हैं, और यहां फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स कटअप कर लेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर या कलर पेपर्स के ऊपर, तो आप उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे और उस सर्कल का डायमीटर मेजर करेंगे। आपने अपनी एक्टिविटी कॉपी के अंदर कम से कम 3 सर्कल्स लेने हैं डिफरेंट साइज के, तो आप बैंगल्स भी ले सकते हैं, 3 डिफरेंट साइज के आप बैंगल पेस्ट करने हैं अपनी कॉपीज के अंदर, या फिर आप क्वाइन भी ले सकते हैं, क्वाइन थोड़ा छोटा सर्कल रह जाएगा। और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, आप कटआउट भी बना सकते हैं किसी कलर का, पेपर्स में से सर्कल कट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले 3 सर्कल पेस्ट करनी है और फिर उनकी ये मेजर करनी है, ये लेंथ आप थ्रेड से मेजर कर सकते हैं बहुत आराम से। और एक और मेजर करने का मेथड होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां पर मार्क कर लिया इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से लेकर इसको मैं वापस रोटेट करती हुई जहां तक ये पॉइंट जाएगा वहां तक की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये भी हमारे पास लेंथ हो सकती है,
तो अब हम किसी भी हेल्प से हम इसका सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे और इसका क्या करेंगे, डायमीटर मेजर करेंगे, और फिर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू आएगी। आपकी जो भी वैल्यू निकलेगी, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ऊपर रखो और डायमीटर की वैल्यू नीचे रखो, डिवाइड करो, या तो वो सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/7, नहीं तो वो किस में आ जाएगा 3.14 वैल्यू। तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, तो पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर, बिकॉज आपको पता है इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कभी भी डिवाइड होने पर खत्म नहीं होते, कभी टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और फिर आपने अपनी एक्टिविटी में आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे ये आपने एक सिंगल ये वाला यहां तक तो आंसर अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद एक्टिविटी में क्या करना है, आपने पेज 3 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस के 3 सर्कल्स पेस्ट करने हैं। मैंने आपको बता दिया आप बैंगल भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट साइज की कॉइन यूज कर सकते हैं, और भी कटआउट बना सकते हैं कार्डबोर्ड में से, वेस्ट पेपर में से। कैलकुलेट रेशियो ऑफ इट्स, हर किसी का सर्कमफ्रेंस मेजर करके लिखना है और हर सर्कल का डायमीटर मेजर करके लिखना है। फिर उसकी आपने रेशियो बनानी है C/D। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा डिवाइड होने पर या तो 22/7 बच रहा है या आपके पास क्या बच रहा है 3.14। और फिर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप कंक्लूजन लिखेंगे, आप कंक्लूजन लिखेंगे कि जो है हमारे पास हमेशा डिवाइड होने पर, व्हेन वी डिवाइड C/D, सी मीन्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस आपको पता है ना स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बाहर बाहर की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल, वी ऑलवेज गेट 22/7 और 3.14, विच इज द वैल्यू ऑफ पाई। सो वी कंक्लूड दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये आपकी एक्टिविटी का स्टूडेंट्स काम है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्लास के साथ या चैनल के साथ, तो स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी अ मैसेज। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।